मिर्ची बॉलीवुड। आने 2018 होने वाली जो पिक्चर संजू है रिलीज हो चुकी है, काफी लोगों को पसंद, आपने देखी पर्सनली? हाँ जी जी, मैंने देखी, बहुत ही अच्छी लगी। इट इज़ अ फैंटास्टिक फैबुलस आउटस्टैंडिंग फिल्म, यू नो इट इज़ आई थिंक फॉर माय टॉप 10 फिल्म्स में संजू इज हाई अप देयर। सारे परफॉर्मेंसेज, रणबीर इज आउटस्टैंडिंग, विक्की कौशल इज आउटस्टैंडिंग, परेश जी इज ऑल्सो अनबिलीवेबल। आई थिंक यू नो एवरी वन, सोना अनुष्का, एक फुल पैकेज है। मैं राजू हिरानी की बहुत बड़ी फैन हूँ, सो वेन एवर हिज फिल्म कम आउट आई जस्ट वेट, एंड एवरी टाइम ही मैनेजेस टू जस्ट हिट इट आउट ऑफ द पार्क। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म दैट वी हैव राइट नाउ इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। नमस्कार, सुमित जी गुस्सा हो गए हैं, साथ करें। संजू रिलीज टुडे, यस आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। आई मीन सबकी बहुत ही ज्यादा होप्स है फिल्म से, और जो मैंने सुना है बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही उमदा फिल्म है, एंड आई कांट वेट टू वॉच इट। आई एम अ बिग फैन ऑफ एवरीबॉडी इन्वॉल्वड इन द फिल्म। संजू रिलीज, मैं नहीं देख पाया यार, आईफा में थे, फिर उसके बाद जन्मदिन था मेरा, आज ये इवेंट था तो देख नहीं पाया हूँ। रणबीर से मिला था कुछ दिन पहले जब हम आईफा पे थे, तो आई एम वेरी हैप्पी आई थिंक विद द ओपनिंग द वेटेस्ट टुडे, जिस तरह फिल्म को प्यार मिल रहा है, ट्रेलर का रिएक्शन जो था आज, ओपनिंग का रिएक्शन, तो आई थिंक इंडस्ट्री में जो फीडबैक आया है, रिव्यूज़ आए हैं, आई थिंक द फिल्म इज हेडिंग टुवर्ड्स डूइंग मैग्निफिसेंट बिजनेस। इट विल बी अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस फॉर रणबीर एंड अ माइलस्टोन इन हिज करियर, विकीज़ करियर। राजू सर ऑफ कोर्स इज फैंटास्टिक स्टोरी टेलर, एंड आई थिंक जिस तरह का साल रहा है, फिल्में खरी उतरी है और उससे ज़्यादा बखूबी निभा पाई हैं, तो आई थिंक संजू विल कंटिन्यू दैट ट्रेंड, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे कि विधु विनोद चोपड़ा सर ने बताया, राजू हिरानी ने, और सब इंडस्ट्री के लोग काफ़ी अरसे से सर को जानते हैं, संजय सर को जानते हैं, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि आपने एक बयान दिया है कि ये फिल्म करते वक्त मुझे जो कुछ संजय दत्त के बारे में पता चला वो मुझे भी नहीं पता था, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे इस फिल्म में आप संजय दत्त बने हैं जो आने वाली बायोपिक है? वेल शेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि विधु सर मुझे मार देंगे, बट जी मैं संजू सर को बचपन से जानता हूँ, लेकिन जब हमने बायोपिक पर काम करना शुरू किया तो मुझे हमेशा लगा कि ये एक्चुअली बायोपिक नहीं हो सकती, ये एक्चुअली एक साइंस फिक्शन फिल्म है, क्योंकि ऐसी लाइफ एक इंसान को जीना, मतलब आप मेरे समझ में ही नहीं आया कि ऐसी लाइफ कौन जी सकता है। मुझे एक्चुअली अभी कल की बात है जब संजू सर ने मैसेज किया कि यू नो ट्रेलर लॉन्च पे आ जाओ, तो सडनली मुझे एहसास हुआ अरे यार ये तो मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। फिर पीछे से एक दूसरे रणबीर ने मुझे टपली दिया और कहा कि तुम कभी संजय दत्त बन नहीं सकते, ज़रा इतना खुद को मत, संजू सर का ट्रेलर लॉन्च है, दैट यू हैव टू गो एंड अटेंड। तो मैंने एक साल इनको इम्यूलेट करने की कोशिश की, प्रार्थना करता हूँ कि ठीक ठाक किया, क्योंकि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्री बट इन द कंट्री, यू नो समथिंग दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, वी कैन टेक सो मच फ्रॉम हिज लाइफ। बट हाँ, जब मैं कभी सोचता हूँ बायोपिक के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, यही मेरे सोच में आता है कि ये साइंस फिक्शन फिल्म है, ये एक ड्रामेटिक या रोमांटिक फिल्म नहीं है। Let him sit and talk. What say? I just want to thank everybody. सबसे पहले माय वाइफ, माय सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ परेश, माय ब्रदर राज बंसल, बिट्टू,